और इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में होगी। परिवार में घमासान के बाद नेताजी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों मुलायम सिंह की तबीयत ठीक नहीं है, तो वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके दोस्त आजम खान के लिए। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा भी राज्यसभा से सांसद है। खबर है कि रविवार को वो लखनऊ आई थी, उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। तंजीम ने नेताजी से अपने पति आजम को बचाने की गुहार लगाई, जिसके बाद मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश यादव से बातचीत की। फिर तय हुआ कि नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी ऑफिस में इसे करने का सुझाव दिया है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि मुलायम सिंह यादव आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। परिवार में जो विवाद हुआ, जो कलह पैदा हुई, राजनीतिक मतभेद पैदा हो गए थे, उसके बाद से आजम खान मुलायम सिंह यादव पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संबंध में होगी, किस मुद्दे को लेकर होगी, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान से जुड़ी हुई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। चलिए, पंकज हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। पंकज, दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो क्या वाकई में आजम खान से जुड़ा मसला होगा या फिर कई और कयास भी लगाए जा रहे हैं इस वक्त? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जहाँ तक सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं आजम खान को लेकर के हैं। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा कल दोपहर में लखनऊ आए और नेताजी से मुलाकात की। चूँकि आजम खान के ऊपर गिरफ्तारी का तलवार लटका हुआ है, लगातार उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कल भी 2 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए हैं, करीब 70 मुकदमे आजम खान के ऊपर दर्ज हो चुके हैं और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि पिछले दिनों जब हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गए थे तो जमानत याचिका भी खारिज हो गई थी, तो आजम खान के लिए राहत नहीं मिल पा रही है। प्रदेश सरकार लगातार उनके खिलाफ जाँच और संबंधित जो विश्वविद्यालय है, जौहर विश्वविद्यालय के अलावा हुसैना ट्रस्ट और इनका रेस्टोरेंट है भूम हथियाने, जैसे मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। भू माफिया पहले ही घोषित हो चुके हैं। ऐसे में आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ी जा रही है। और कल आजम खान की पत्नी जो खबर आ रही है, वो नेता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी और आजम के पक्ष में बचाव करने की मांग की थी, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से बातचीत की और फिर आजम खान के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा कई और सारे मुद्दे हो सकते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हो या चीन का जो भारत की तरफ से जो लगातार विरोध है उस रुख हो, इसके अलावा पाकिस्तान पे मुद्दे पे भी बोल सकते हैं। साथ ही आर्थिक नीतियों को लेकर के मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री और जो सरकार है केंद्र सरकार के ऊपर भी हमला बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर संभावनाएँ आजम खान के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साथ ही परिवार के मुद्दे पे जो सुलह समझौते की लगातार कोशिश कर रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव हो, एका हो, उस पर भी मुलायम सिंह यादव का आज कुछ वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आ सकता है, मीडियाओं को संबोधित कर सकते हो। लगातार ये भी कोशिश करते थे कि परिवार एक हो। अब देखना ये होगा, जब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें आजम खान का ही मुद्दा होगा या फिर कई और मुद्दे शामिल होंगे। चलिए, नज़र बनाए रखें पंकज, हम आपसे आगे भी इसकी जानकारी लेते रहें।